खबर शिवगढ़ रायबरेली से, जहां विकास खंड शिवगढ़ के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों का कोविड टीकाकरण का क्रम जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार गौतम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में 78 बुजुर्गों, उप स्वास्थ्य केंद्र दिल्ली में 26 और एनम सेंटर गुढ़ा में 20, उप स्वास्थ्य केंद्र निरथुआ में 10 बुजुर्गों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। अधीक्षक ने बताया टीकाकरण लगातार 6 दिन तक चलता रहेगा। उन्होंने ये भी बताया जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता कोविड-19 का टीकाकरण का कार्य चलता ही रहेगा। टीकाकरण के दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जीबी सिंह, उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, मंडल मंत्री मीना रावत एवं मंडल मंत्री दिनेश रावत द्वारा बुजुर्गों को सम्मान करते हुए उन्हें मास्क, हैंड सैनिटाइजर, बिस्किट, साबुन आदि वितरित किया गया है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने कहा भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे कि अधिक से अधिक बुजुर्गों को जल्द से जल्द कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान किया जाए। श्री प्रखंडी विद्यापीठ इंटर कॉलेज शिवगढ़ रायबरेली में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 17 मार्च 2021 को संपन्न होगा, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लंबे कूद, गोला फेंक आदि प्रतियोगिताएं होनी है, जिसमें कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 तथा 11, 12 के बालक एवं बालिकाएं अलग अलग प्रतिभाग करेंगे। साथ ही विद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों द्वारा क्रिकेट मैच भी खेला जाएगा। यह समस्त जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य राजकुमार गुप्त द्वारा दी गई। शिवगढ़ रायबरेली से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट।